भरत को राज तिलक मांगा, लेकिन मेरे राम को मुझसे जुदा क्यों कर रही। आंखों से आंसू बरसने लगे, जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर गए राजा दशरथ। याद राम की है। इतने में प्रभु श्री रामचंद्र, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और लक्ष्मण भी शोक भवन में पहुंच गए। राजा दशरथ जमीन के ऊपर पड़े हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने उठाया, अपनी गोदी में ले लिया। धन्य है राजा दशरथ और धन्य है तेरी भक्ति। आज त्रिलोकी नाथ प्रभु श्री रामचंद्र ने तुझे गोदी में पकड़ा है। बोले शनिकर भगवान, ऐसा कर्म करो कि तुम्हें भी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र अपनी गोदी में उठा ले। क्योंकि कर्म करने से जीवन के बड़े बड़े कष्ट बदल जाते हैं, बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। एक बार करके तो देखो। बुरे बांके बिहारी लाल की। प्रभु श्री रामचंद्र पूछने लगे, माते हमारे पिता को क्या हो गया? रानी के कई कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पिता ढोंग कर गए। तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया था दो बार मांगने का, आज जब मैंने मांगी तो तुम्हारे पिता मना कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र कहने लगे, माते मैं बड़ा पुत्र हूँ और बड़े पुत्र का धर्म होता है अपने पिता के वचनों की रक्षा करना। बोले शंकर भगवान, ये बड़े का कर्म है। भक्त बड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है, बड़ा बड़ा त्याग करना पड़ता है वचनों की रक्षा करने के लिए। बोले शंकर भगवान की। प्रभु श्री रामचंद्र कहने लगे, माते बस इतनी सी बात है, बताओ तुम्हारे दो बार कौन सी है? माता के कई निर्दयी हो चुकी है। पहले बार में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और दूसरे बार में भरत को राज दिल। बोलिए शंकर भगवान की। प्रभु श्री रामचंद्र राजा दशरथ को कहने लगे, पिताश्री बस इतनी सी बात है, 14 वर्ष जल्दी बीत जाएंगे और जंगलों से आने के बाद मैं तुम्हारी ही सेवा करूंगा। और प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण को कहने लगे, लक्ष्मण अब अयोध्या के राजा भरत होंगे और मैं माता कैकेयी के इच्छा से 14 वर्ष के लिए जंगलों में जाऊंगा, तू मेरे भरत की सेवा करना। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु तुम शरीर हो और मैं साया हूँ, और जहाँ जहाँ शरीर जाता है साया भी उसके साथ चलता है। साया कभी शरीर से अलग नहीं हुआ, तो राम लक्ष्मण से अलग कैसे हो जाएंगे? जहां जहां राम जाएंगे वहां वहां लक्ष्मण भी जाएंगे। लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा को कहने लगे, माते मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बड़े भाई की सेवा कर सकूं। धन्य है माता सुमित्रा। लक्ष्मण को कहने लगे, लक्ष्मण जाओ मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पे मेरे राम का पसीना गिरेगा वहाँ पे लक्ष्मण का खून गिरना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल। कितना त्याग किया है माता सुमित्रा ने। इतने में माता सीता को पता चल गया। माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र के पास। Let's go.
Yeah.